फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं हूं जगदीश, ये है बाउडी बाऊ, और वो है जती जतुडी जतिन। तो आज हम कौन सा वीडियो देखने गे? देखते हैं कि हाउ पावरफुल इज पाकिस्तान। सॉरी हाँ, मतलब उस पर नहीं हंस रहे हम, हमारी लाफिंग हम पहले से कोई बात कर रहे थे तो उस पर हम पहले से थोड़ा इस हंसी के मूड में ही थे, इस हिसाब से। चलो स्टार्ट करो। आप दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज़ की लिस्ट सर्च करें या बेस्ट आर्मी की, बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी की लिस्ट सर्च करें या फिर टॉप न्यूक्लियर स्टेट्स की, पाकिस्तान आपको हर जगह ही मिलेगा। पाकिस्तान एक की रोल प्ले करता है जब साउथ एशिया या इवन एशिया एंड मिडिल ईस्ट के मामलों पर बात की जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है। दिस इज गौहर अली रिज़वी एंड यू आर ऑन माई चैनल। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के दरमियान डीमिलिटराइज जोन के बाद अगर कोई बॉर्डर बहुत ही हैविली गार्डेड है तो वो शायद पाकिस्तान एंड इंडिया का ही है। पाकिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर तकरीबन 1.5 लाख फ्लड लाइट से रोशन रहता है और नासा के मुताबिक ये बहुत चंद बॉर्डर्स में से एक है जो कि खला से भी नजर आता है। पाकिस्तान का रकबा तकरीबन 8,82,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी आबादी तकरीबन 21 करोड़ तक की है, जिनमें से 6,45,000 के करीब फौजी जवान पाकिस्तान की एक्टिव आर्मी का हिस्सा है। इसके अलावा 5,15,000 के करीब रिजर्व मिलिट्री पर्सनल हैं, जो कि पाकिस्तान को दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी के खिताब देने तक ले जाते हैं। इसके अलावा तकरीबन 4 लाख पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, जिनका मेन काम मुल्क में अमन कायम रखना होता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती, एक इंटरनेशनल आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में से आता है जहां 89% तक लोगों का कहना है कि वो अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं। यानी कि तकरीबन हर 10 में से 9 पाकिस्तानी अपने वतन के लिए जान देने को तैयार है। पाकिस्तान की GDP बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी PPP तकरीबन $1 trillion तक की है, जिसमें से 7.6 तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के डिफेंस का बजट है। जंग की सूरत हाल में पाकिस्तान के पास जमीन पर 2,924 टैंक्स हैं, 2,828 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, 465 सेल्फ प्रोपेल्ड की तरफ 1,278 बॉर्डर तो छप्पर है ना, गन्स हैं और 134 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम्स हैं। ये हम पास में ही हैं, पाकिस्तान की बैकबोन, हमारे शहर पास में ही, थोड़ा दूर रखो। इस तस्वीर से अंदाजा होता है कि ये देखो यहां पे हमारा किसी भी मुल्क को लैंड बैटल में बहुत सख्त टाइम ही नहीं दे सकता, बल्कि उसे हराने की भी ताकत बआसानी रखता है। आसमान पर भी थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं, पाकिस्तान के पास टोटल 960 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें F-16, JF-17 थंडर एंड फ्रेंच डिसॉल्ट मिराज शामिल हैं। अटैक हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान के पास AH-15 कोबरा और AH-1Z वाइपर शामिल है, जो कि पाकिस्तान ने पिछले ही साल इंडक्ट किया है अपनी फोर्स में। बहरिया में पाकिस्तान के पास 30,000 नेवी पर्सनल हैं, जिनके साथ पाकिस्तान के पास एक क्रूजर है, 10 फ्रिगेट्स हैं, 8 सबमरीन्स हैं, 3 माइन वॉरफेयर हैं और 17 पेट्रोल शिप्स हैं। इन सब के बाद भी पाकिस्तान के पास मिसाइल की अपनी एक वास्ट रेंज मौजूद है, जिसमें हतफ जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक की है, नसर जो कि 70 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, अब्दली जो कि 200 किलोमीटर तक के अहाते को निशाना बना सकता है, क्रूज मिसाइल्स में बाबर 1 एंड बाबर 2 हैं जो कि 750 किलोमीटर तक निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट रेंज बलिस्टिक मिसाइल्स में गजनवी है जो कि 300 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और शाहीन 1 है जो कि 900 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मीडियम रेंज बलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, जिसमें गौरी 1 एंड गौरी 2 हैं जो कि 1800 किलोमीटर तक निशाना दाग सकते हैं, अबाबील 2200 किलोमीटर तक, शाहीन 2 2500 किलोमीटर तक और शाहीन 3 2750 किलोमीटर तक निशाना लगा सकते हैं। और अभी तक तो हमने न्यूक्लियर वॉरहेड की बात ही नहीं की है, जिससे डैमेज
अनथिंकेबल हो जाता है। एक और अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास 120 से 140 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं और पाकिस्तान के मोस्टली मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के काबिल हैं। और आप रेंज से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा खतरा बन सकता है अपने दुश्मन के लिए। और इस पर जब पाकिस्तानी DGISPR कहते हैं, We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first you shall never be able to surprise us. Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you, but let me assure you, we shall surprise you. And I hope you get this message. And don't mess with Pakistan. ये सुनकर एक सुकून मिलता है और इत्मीनान रहता है कि पाकिस्तान की आर्मी एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है। होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोरोना हाँ तो चलो मजाक कर रहे हैं। बाऊ बोलेगा वीडियो के बारे में। बोल बोलना 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 हाँ बोल जतिन बोल। सब भारत की तरह लगा रहे हाँ मतलब अफगानिस्तान हमला कर दे तो उधर ईरान हमला कर दे तो चाइना हमला कर दे तो नहीं चाइना तो करेगा ही नहीं दोस्त है दोस्त कोई किसी का होता नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान दोस्त बने तो शायद कोई पास में नहीं भटके और अपन को इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़े। पर चलो बहरहाल हम दुश्मन हैं। कमेंट्स में काफ़ी दोस्त बातें करते हैं उससे यही लगता है। क्या मिलता है दुश्मनी से? मेरे घर में तो एक रुपया नहीं आ रहा है। आपके घर में आ रहा हो तो बोलना किसी के घर में आ रहा हो। और वहाँ वो जो बोलते हैं ना कि डर, ये डर से ही तो ये सब चीज़ें चल रही है। ये मेरे को इस बात का डर है, उस बात का डर है, मुझे जॉब जाने का डर है, मुझे मरने का डर है, मुझे ये डर है। इन डर से अपन अगले को डरा देते हैं है ना। विश्वास नहीं है। और वैसे पूरा जो डिटेल बताया था पाकिस्तान की आर्मी का, तो वाकई में पाकिस्तानी आर्मी है, पावरफुल है। ऑल वर्ल्ड में अगर कंपेयर करें तो अपना एक अलग पोजीशन रखती है। और ये सब बताया जाता है कि इंडिया की वजह से पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि हमारे बीच में इतने क्लैशेस हुए हैं। पर क्यों हैं, इसकी रियलिटी क्या है? इंडिया वाले बोलेंगे कि पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान बोलेंगे इंडिया ने हमला किया। खुद जाके देखा कभी किसने हमला किया? शुरुआत कहाँ से हुई है नहीं पता। मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और जो राजनीतिक पार्टियाँ, नेता लोग होते हैं, उन्होंने देश तोड़ा था और वही देश आगे बढ़ा रहे हैं। हकीकत यही है ना। आपको कोई बोला है घर में, किसी आपको आके बोले कि नहीं यार आपके घर में ये है, ये कोई पड़ोसी आके बोला कि नहीं यार आपका भाई है और ये आपको, आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए गलत बोल रहा है, आपने तो सुना ही नहीं और आप उससे अलग रहने लग गए, तो हुआ क्या? हुआ ये कि आपका घर टूटा, आपकी जो तरक्की थी वो रुकी और आप मिल के बहुत कुछ कर सकते थे, वो नहीं हुआ। आगे कौन बढ़ा? वो जिसने आपको आके बोला था कि आपका भाई आपके खिलाफ बोल रहा है, ये बोल रहा है, फ़ायदा वो लेगा आप दोनों से। फूट डालो, राज करो। अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रिटिशर्स आए थे, आए किस काम से थे? इंडिया को लूट लाट के ले चले गए, दो टुकड़े कर दिए। हकीकत तो यही है। हिंदू मुस्लिम का तो एक इतने सालों से रह ही गए थे यार, 70 साल पहले क्या हो गया अचानक? बाकी झगड़ा होता है दो लोगों के बीच में तो कोई पर्सनल वजह से होता है, फिर उसके पीछे रिलीजन और जात भी ढूंढी जाती है ना। इंडिया में तो अगर पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से देखा जाए तो वो तो ये ढूंढता है कि अगर कोई मुस्लिम मर गया तो बस मुस्लिम खतरे में। इंडिया में हिंदू भी मरते हैं, क्रिश्चियन भी मरते हैं, सिख भी मरते हैं, पारसी भी मरते हैं, बौद्ध भी मरते हैं, उनकी बात नहीं करता है। क्यों? इंसान नहीं हो?
इसलिए मीडिया है आपके यहाँ, कड़वी बात कड़वी है पर सही है, मेरा तो यही कहना है। गौर करना कभी, सोचना कभी, वो कहते हैं ना अंतर, अपने अंतर मन में जाके फिर अपन सोचते हैं ना कि क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। आप सुबह उठ के क्या सोचते हैं, इंडिया पे बम बरसाना है या फिर आपके घर में कोई चीज़ लानी है, आपके बच्चों को पढ़ाना है, आप क्या सोचते हो, वही सोचते हो, तो फिर ऐसी सोच कहाँ से आती है, ऐसी सोच आती है डरावने डरावने यूट्यूब चैनल्स, डरावने डरावने फेसबुक पेजेस, न्यूज़ मीडिया, माहौल क्रिएट होता है एकदम, फिर बस फिर अपन होता कुछ नहीं। अब जैसे वो कोरोना, कोरोना की बात ही सोच लो, अभी बीच में कोरोना खत्म हो गया था, आज वापस न्यूज़ आ रही थी कोरोना वापस आ गया, तो हम सब अरे कोरोना वापस आ गया, किसने बताया आपको, मीडिया ने बताया ना, तो हम क्या है कि मीडिया पे डिपेंड हो गए, न्यूज़ लोगों के लिए एक होता है ना क्यूरियोसिटी रहती है, न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़, तो बस वही एक बिजनेस है। इतने ब्रांडेड न्यूज़ चैनल होते हैं नहीं, तो उन पर एड आते हैं, तो एड वाले तो उनकी टीआरपी बढ़ती है, आप ऐसी चीज़ें देखोगे तो उनकी टीआरपी बढ़ेगी, तो उनको एड्स मिलेंगे तो वो और बढ़ेंगे, और जो बिल्कुल सही न्यूज़ होते हैं ना वो बेचारे गरीब, उनकी न्यूज़ कोई नहीं देखता है, वो क्या तड़का बड़का लगा हुआ एकदम चमचमाता, तो वो वाली चीज़ है। मीडिया देश का मूड चेंज कर देता है, लोगों की थिंकिंग चेंज कर देता है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं वो सब चेंज कर देता है। चलो ये तो एक ऐसी ही बात बोल रहा था मैं, बात करते हैं वीडियो की। तो पाकिस्तानी आर्मी वाकई में है स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, मैं इस पर जो कोई ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं, पर ये सारे वीडियो में सारी इंडिया की तरफ ही, और इंडिया की तरफ नहीं मुझे लग रहा राजस्थान की तरफ ही थी, हम तो वहीं से हैं, राजस्थान की पॉपुलेशन भी बहुत कम है और सबसे बड़ा स्टेट है इस पूरे रीजन का, बहुत बड़ा एरिया है राजस्थान का, और सारी उधर ही लगा रखी है ना, और वो शुरुआत में जैसलमेर वहाँ कोई रहता नहीं है, सब रेगिस्तान है, बंजर है, कोई पब्लिक नहीं है वहाँ पे, हाँ उधर से आने में टाइम लगेगा है ना, तो उधर चाइना की तरफ जाओ थोड़े। चलो एग्रेशन वाले कमेंट्स मत करना, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही फनी बोल रहा हूँ, बाकी हकीकत तो यही है कि युद्ध से किसी को मिलता नहीं है, एक थिंकिंग होती है कि अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, तो हर आर्मी होती इसलिए है, फिर ऐसे कोई क्लैशेस होते हैं, फिर होता है वैसे फुल तरह का जो वॉर है वो तो नहीं होता, अब तो इकोनॉमी का वॉर होता है, एजुकेशन का वॉर होता है, टेक्नोलॉजी का वॉर होता है, वो वॉर हो गई है, ये जो चीज़ें हैं ना ये सब पुरानी हो गई है। अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें ड्रोन्स थे, उन्होंने ये टैंक वैंक के काम नहीं आए थे, वो हकीकत वो है, तो ये क्या है कि परिवर्तन होता रहता है, तो इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलता है, उधर से दो टैंक, इधर से दो टैंक आएंगे, वो टैंक के आपस में आके यूँ बात करेंगे कि यार ये नहीं, हमें तो पेट्रोल हम बहुत डिपेंड हो गए, हम कुछ और टेक्नोलॉजी बनाते नहीं, वो मारेंगे लोगों को, तो काश लोगों की सोच चेंज हो, मेरी तो यही है, बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना उनको उड़ा दो टैंक जो नफरत फैलाते हैं, हकीकत यही है, प्यार फैलाओ। बाकी मेरी बातें ज़्यादा लंबी हो गई थी, फिर भाऊ वीडियो ख़त्म होने के बाद मामा बहुत पकाते हो यार बहुत बोर करते हो, तो ये दोनों को पूछता हूँ मैं, कुछ बोलना हो तो बोलो। पाँच लाख है ना एक्टिव, और रिजर्व भी 5 लाख है, तो टोटल 10 लाख हो गई, हाँ 6 लाख एक्टिव है, 11 लाख हो गए। और उन्होंने बोला कि हर आदमी अपने देश के लिए मरना चाहता है, ऐसा वैसा होता है, आप देश के लिए मरो मत, आप देश के लिए जियो, आप जियोगे तो देश जिएगा, मरने मारने की बातें नहीं करनी, मरने में कोई नहीं मार रहा आपको, इंडिया की तरफ से कोई नहीं आ रहा मारने के लिए, किसी को इतना टाइम नहीं है कि कोई आके पाकिस्तान में आके हमला करे, एक मेंटलिटी होती है, पूछिए आप जो आप जो लोग आपको बताते हैं ना इंडिया ऐसा वैसा कर लेगा, तो उनसे पूछना क्यों करेगा वो पहले, बस मेरा तो ये मैसेज है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्यों बाबू। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छा था वीडियो, और भी अच्छे अच्छे इमोशनल या फिर कुछ इंस्पिरेशनल कुछ एक पाकिस्तान में हम जो अनछुई चीज़ें हैं वो हमें आप सजेस्ट कीजिए, वो हम देखेंगे। ये जतिन पता नहीं कहाँ कहाँ से वीडियो लाता है, और वही वीडियो वही, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि किसी की कंट्री की आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रॉन्ग है, इनका वर्ल्ड लेवल में रैंक 10th है अभी शायद, है ना 10वें नंबर की आर्मी है, पूरे वर्ल्ड में 194 कंट्रीज़ है, उसमें से 10वें नंबर की आर्मी होना एक बड़ी बात होती है, और हम इतने मजबूत हैं कि हमारा इतिहास भी मजबूत था और हमारा वर्तमान भी मजबूत है, पर हम अपनी मजबूती अपनी ताकत का यूज़ एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी है।
यूरोप के देशों के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, वो सारे पॉलिटिक्स यहीं लगाते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सोचिएगा, तब तक के लिए बाय। Devils hide behind redemption, honesty is the one way gate to hell.